देखिए अब आपको ये मैंने बता दिया बीट क्या होता है, बीट कंट्रोल के आपके मेथड क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ बीट ऑन क्रॉप प्लांट। देखिए फसल के पौधों पर बीट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे कैसे उनका इफेक्ट क्रॉप्स पर देखने के लिए मिलता है। नंबर वन, द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द क्रॉप फील्ड इज हार्मफुल। क्या आपकी जो ग्रोथ है वीड्स की वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, किसके बेटा, क्रॉप्स के लिए। दे कम्पीट विद क्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस एंड लाइट। ये कॉम्पीट करती हैं क्रॉप्स को किसके लिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स। जब वो होंगे तो उन्हें क्रॉप्स को आपकी को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, पूरा वाटर नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा और प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी। वीड्स आर जनरली मोर एफिशिएंट देन क्रॉप प्लांट। तो आपने देखा वीड्स जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, पूरा आपकी स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट्स जो है फसल से पहले लेकर अपने आप को फुल्ली क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है, जो हार्मफुल होता है आपके क्रॉप के लिए। दे ग्रो क्विकली, एब्सॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड डेप्राइव द क्रॉप प्लांट ऑफ एसेंशियल इनपुट। एज ए रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज रिड्यूस। जब आपके वीट की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है तो आपकी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो घट जाती है, क्योंकि आपके वीट प्लांट जो है वो सारा आपके न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट सारी एब्सॉर्ब करने लगते हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स आपके क्रॉप को चाहिए उससे ज़्यादा वो क्या करने लगते हैं, खुद एब्सॉर्ब करने लगते हैं और आपकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकंड, द वीड स्प्रे क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज बाय एक्टिंग अल्टरनेट होस्ट टू इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेन। वीड्स जो है आपके स्प्रेड करते हैं क्रॉप पेस्ट को, किसको बेटा, क्रॉप पेस्ट को, फसल पे लगने वाले कीड़े मकोड़ों को और आपके डिजीज को, जो अल्टरनेट होस्ट का काम करती हैं। तो वीड्स जो है बेटा हर कंडीशन में आपकी फसल के लिए नुकसान पहुंचाती है। थर्ड, सम वीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच में इंटरफेयर विद ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट। देखिए कुछ जो है वीड्स जो है आपके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिसकी वजह से फसल का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती। फोर्थ, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीट गेट मिक्सड विद क्रॉप प्रोड्यूस टू डाउनग्रेड इट्स क्वालिटी। देखिए आपके हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होता है, वीड्स जो है आपकी फसल के साथ मिल जाते हैं और उसकी क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। तो वीड्स जो है आपकी फसल के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेनिफिट नहीं पहुंचाते, वो हर कंडीशन में हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। तो वीड्स को टाइमली ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिनके थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और मैंने इसके नुकसान भी पहुँचाए कि पता है आपको कि कैसे कैसे वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वीड्स के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल होती है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो भी किसकी बेटा, क्रॉप्स की। जो क्रॉप्स है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये क्या कर देते हैं, बिल्कुल क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं या कम, बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग के टाइम उनके साथ मिक्स होके उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं।